हेलो एवरीवन, आज बना रही हूँ सुअर मीट। और कैसे बना रही हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है प्याज आधा टुकड़ा, दो मिर्च और आधा टुकड़ा अदरक, और मैंने लिया है लहसुन, इसे भी मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी। और मैंने लिया है एक चम्मच जैसे जीरा, उसके साथ कुछ काली मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना, और मेथी दाना भी मैंने कम ही डाला है क्योंकि ज़्यादा डालने से इसमें तीतापन आ जाता है। तो बस अच्छी महक आने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, और उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि वैसे ही सूखा पिसने से जल्दी पिसाता नहीं है। तो चलिए फिर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, और साथ में ले रही हूँ कुछ मसाले पाउडर। तो ये है गरम मसाला पाउडर, और मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये हल्दी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और इसे मिक्स करके रखूंगी। सो देसी स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मसालों को पहले ही पानी में मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से यूज़ करने से ना बहुत ही अच्छा स्वाद इसमें आ जाता है। तो चलिए फिर मसालों को भी मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह, इसे थोड़ा देर के लिए रख दूँगी ऐसे ही। और जिन मसालों को मैंने पहले ही पीस लिया था उसे मैं एक बाउल में रख लूँगी। और मैंने कढ़ाई को भी पहले ही चढ़ा लिया था, गर्म हो चुका है, इसमें मैं तेल डालूँगी। और मैं सरसों तेल का उपयोग कर रही हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया छोटी इलायची, एक दालचीनी, एक लौंग मैंने लिया है, उसके साथ बड़ी इलायची का टुकड़ा, कुछ करी पत्ते, तेज़पत्ता और साथ में प्याज। और प्याज भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा डालने से ना पूरा मीठा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। अब इसे मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। सुअर मीट बनाते समय करी पत्ता इसमें साथ मिला दे तो बहुत ही अच्छा स्वाद इसमें आ जाता है, तो मैंने इसलिए यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं प्याज भी मेरा भुन चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ ग्राइंड किया हुआ मसाला, इसे मैं 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब इसमें डाल देती हूँ भिंगाया हुआ मसाला, और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, इसे पकने दूँगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है सुअर मीट जो आधा केजी है, और आप देख सकते हो ये मसाला भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मीट जो मैंने धो कर के रखा था, और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करते हुए पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मसाला भी परफेक्ट डाला गया है। अब इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी। तो अच्छी तरह भून चुका है, इसमें पानी डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पका लूँगी। तो ये अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालना बाकी है जिसे मैं अभी डालूँगी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इस तरह ये पक चुके हैं अच्छी तरह, अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले